हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए उनसे सवाल लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। संजय निषाद जी, इस वक्त कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े 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 होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, लखनऊ की सड़कों पर मतलब पार्ट दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर, अखिलेश जी के दफ्तर के बाहर, खुद आपके आवास के बाहर, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के घर के बाहर, 27 के खेवनहार हैं आप। तो ये दो सीटों पर जो आप लगातार कोशिश कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिली, तो आंखें दिखा रहे हैं बीजेपी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग त्रेता में भगवान राम को पार किए थे और अपनी सेना देकर, सीता और लक्ष्मण के, राम के अलावा कोई सेना नहीं गई थी। सेना थी तो निषाद राज की सेना थी और रावण को खत्म करके सुख का राज लाया गया था। हमने तो मुगलों, अंग्रेजों को मौत के घाट पार किया हूँ, उतार कर देश को बाहर किया हूँ। हमारे लोगों ने मार्शल कौम का लेवी लगाया, क्रिमिनल कास्ट का लेवी लगाया। हम कानून से उजड़े लोग हैं। हमने कांग्रेस को पार किया, सपा बसपा को पार किया। जब हम लोगों ने उनको अपनी नाव से उतार दिया तो देख लो मझधार में डूब रहे हैं। आज के दिन में हम सीट ने जीत के लिए आए हैं और जीतेंगे। बीजेपी के साथ हैं तो भी मझधार में डूब रहे हैं, तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। बीजेपी के साथ हैं तो भी आप डूब रहे हैं? नहीं, कोई डूब नहीं रहे हैं। हमारी बात नहीं, ऐसा नहीं है, हम डूब नहीं रहे हैं। डूबाने वाले ये लोग थे कि जमुना उस पार जो है दिल्ली में, निषाद जो है अनुसूचित जात में है, उत्तर प्रदेश के इस पार को इन लोगों ने पिछड़ी में डाल दिया। दिल्ली के केंद्र के हम संविधान के गजट में हम अनुसूचित है, सुरक्षित है, और सपा बसपा ने, कांग्रेस ने मिलके इनको ओबीसी में डालकर इनकी सुरक्षा छीन लिया। अगर जो छीनने वाले हैं तो ये डुबाया तो हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में है। हाँ। सारे नौकरियों पर, सब क्षेत्रों में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अगर हमें केंद्र का मिला हुआ अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिला होता तो मेरे लोग भी SPIG DIG होते, मेरे लोग भी संविधान भले ही आप काला चश्मा लगाकर एबीपी न्यूज पर बैठे हुए हूं, लेकिन आंखें बीजेपी को आप खूब दिखा रहे हैं। अब देखिए कैसे अलग अलग तरह के नारे लगाए जा रहे हैं आपके समर्थकों की ओर से। 27 का नारा, निषाद है सहारा, खेवनहार आपका नाम लिया जा रहा है, तो मतलब पूरी तैयारी आपने भी कर ली है कि आपके बिना बीजेपी का काम चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में? आप देख, नहीं, किसी का काम नहीं चलेगा। जिसने निषादों को धोखा दिया है वो धोखा खाया है। कांग्रेस का जब बटन दबाते थे कांग्रेस हीरो, साइकिल का हाथी का दबाते हाथी हीरो, हमारे लोगों ने सबका बटन छूना बंद कर दिया 2014 में, देख लीजिए। और जो है पंजा और हाथी जो है जीरो हो गई और साफ हो गई उत्तर प्रदेश से, और साइकिल हाफ हो गई आज के दिन में, देख लीजिए। और भाजपा माफ हो गई, चूंकि सरकार में नहीं थी, अब हमारे साथ हो गई है। तो आज के दिन में इतने कहूँगा, लेकिन आपको दो सीटें क्यों नहीं मिली? इतनी कोशिश की है आप, उपचुनाव में दो सीटें मिल जाएं? नहीं, आप देखो, देखिए वो बड़े भाई के रूप में है, उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और उनको लगा कि नहीं भाई, हमारे बात रखी कि निषाद नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। 2019 में आपका वोट दिया, 2022 में वोट दिया खुशी खुशी। इसका जो मुद्दा था आरक्षण का, माननीय मुख्यमंत्री जी सब सांसद थे तो आवाज उठाते रहे दिल्ली में और संसद में, वो वीडियो वायरल होता है। खुलकर नहीं बोल रहे हैं सरकार है, इनके आरक्षण के मुद्दे पर आप ऐसा लग रहा है मतलब कैबिनेट मंत्री है, इतने दिग्गज नेता, आपको तो हमने पिछले महीनों देखा खूब खुलकर बोलते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने समझा दिया है आपको, ज्यादा नहीं बोलना। आज भी मैंने खुल के बोला वहाँ, राष्ट्रीय मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मैं समाज का वकील हूँ तो मेरे को पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि इसीलिए दी गई कि जैसे फिशर पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम हुए, पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम हुए। खुल के बोले तभी तो उनके हिस्सा, उनके समाज के लोग राजनीति में हिस्सा पाए। मैंने कहा कि निषाद का बाहुल्यता है मझवा में, निषाद का बाहुल्यता कटहरी में है, फूलपुर में है, हमारे कुंदरकी में है। ये निषाद जो हमारा कार्यकर्ता वोट डलवाता है, जब ये आप सीट नहीं दिए, वोट वो जो है सिंबल नहीं दिए जो है 2024 में, देखिए उदासीन हो गए, 43 हार गए। मैं चाहता हूँ जीत में बदले, तो दो बातों से नाराज है, एक तो आरक्षण के मुद्दे से, दूसरा इनको जो है सिंबल नहीं मिलता उसकी वजह से। तो चुनाव हार गए ना, से आप कर दीजिए, बीजेपी के टिकट पर थे लेकिन आपके बेटे भी चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो निषाद लोग उधर तो नहीं चले गए? मैं तो बता दिया ना कि हमारे निषाद
नहीं नहीं नहीं, हम कह निषाद का बूथ सब जीते हुए हैं बीजेपी। मैंने कहा ना कि जो हरवाए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया आपने, 43 सीटें हारे हुए हैं, वो तो बीजेपी का सिंबल आ रहा है ना, वो तो एनालिसिस बीजेपी को करना है। 43 वहाँ तो 205 बूथ निषादों के थे, सब हमने जीता है। ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे थे हमारे खिलाफ उनका भी बूथ जीत के देखा। आखिरी के दो सवाल, कैबिनेट मंत्री हैं, मैं और ले लेती हूँ। मेरा ये सवाल है, अगर आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी इतनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह नारा क्यों दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे? मैं कह रहा हूं आज के दिन में बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बल्कि अधिकारों से छटेंगे। यही देख लीजिए किस तरीके से हम बटे हुए हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहारधीवर में, यही हमारे हिंदू बटे हुए थे। तो देख लो कैराना में और मुजफ्फरपुर का दंगा देख लीजिए, कैसे मुसलमान कटते थे पहले देख लीजिए, बटते थे तो वो सरकार में आते थे और मुसलमान बेचारे और गरीब जो है आपस में हिंदू मुसलमान राइट होता था, कटते थे। तो हम कह रहे हैं कि उनकी सरकारें आती हैं तो हिंदू मुसलमान राइट होता, हमारी सरकार आती है तो सब लोग राइट हो जाते हैं, कोई दंगा करने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि योगी की सरकार है, वो कैसे उनको सिखाती है कि दंगाई कैसे हैं, अपराधी कैसे हैं, माफिया कैसे हैं, उनके खिलाफ कैसे कड़ी कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश के बारे में सब लोग जान गए। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी पूछे जाते हैं कैबिनेट मंत्री जी, हम लोग जीतेंगे जब पुलिस हिरासत में मौत हो जाए और 16 दिन में दो दो, जिसके आरोप समाजवादी पार्टी आप लोगों पर लगा रही है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? फिर हम कहते हैं इससे पहले अखिलेश निषाद की मौत का जिम्मेदार कौन था, जब हम रेल आंदोलन में थे तो जिम्मेदार हुआ है ना, और मरा अखिलेश निषाद 302 का मुलजिम हमें बनाया गया। जाति के नाम पर पिटाई होती थी निषादों को, महीनों महीनों दिन बेचारे खाना नहीं खाए, तो ये बताइए क्या अपना हक मांगना क्या गुनाह है? क्या उनके समय में दंगे नहीं होते थे? क्या जो है जौहर जो है घटना जौहर बाग वाला मथुरा में आप देख लीजिए, 1 लाख की हत्या देख लीजिए, किस तरीके से होता रहा उस समय देखिए। इस समय हम कह रहे हैं माननीय योगी जी को मैं बधाई दूंगा कि जो भी इस तरह की घटनाएं होते हैं तुरंत उस पर संज्ञान लेते हैं, उसमें जांच कराते हैं, जो होता है उसे कड़ी कार्रवाई करते हैं। हम कहते हैं समय आने पर होता, आप देख लो किस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, पहले से ढेर सारा सुधार। यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, उधर वाले पिटेंगे। तो उसके मतलब ऐसे लोगों को बदले की कार्रवाई की जाती थी, कैसे पीटे जाते थे, जब हाथी आती थी तो साइकिल वाली पर ST ST लगता था, साइकिल आती थी तो ST ST के लोग पीटे जाते थे बेचारे, कैसे पीटे जाते थे उत्तर प्रदेश पता था। इसीलिए तो 30 साल हाथी आए साइकिल आओ हाथी आओ, अब जब निषाद जा गए 18%, वो कहते हैं इनको हटाओ और उत्तर प्रदेश में शांति लाओ, अपना अधिकार पाओ, इनको हटाओ फिर सरकार बनाओ अपना अधिकार पाओ। अब दीपावली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है कि निषादों के हितों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बैठक होगी। अब बैठक होते ही देखिएगा निषाद समाज किस तरीके से खुशी में लहराएगी कि इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो असुरक्षित है दिल्ली में सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने हमें OBC के लिस्ट से निकाल दिया है, हम लटकू राम नहीं रहेंगे, अब संविधान में मिला हुआ हिस्सा मिलेगा, तो निषाद भी अब नहीं बटेंगे और ये बटने नहीं देंगे। और मतलब 2024 लोकसभा का नतीजा इस रूप में दिखने लगा है कि आप लोगों को लेकर अब सरकार एक बैठक करेगी। मेरा आखिरी सवाल है मंत्री जी आपसे, मेरा ये सवाल है, ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जो दर्द है वो आपके दिल में है सीट नहीं मिलने का और ताकत के साथ NDA जा रहा है चुनावी मैदान में, या फिर अब की बार बड़ी मुश्किल है सरकार जैसा कि उधर वाले नारा दे रहे हैं? मेरे दिल में अपने समाज का दर्द है, जो एकदम झोंपड़ी झोपड़ी में है, सताए जाते हैं, 15,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश के निषादों के ऊपर ST ST है। हम संविधान में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार खरोड़ कोली 7 नामों से अनुसूचित जात में हैं, बाप का मझवार का बना हुआ हजारों मझवार बनवा दिया था और सपा की सरकार थी उसे कटवा दिया। मैं कहता हूँ जब मैं खुद संविधान में अनुसूचित जात में हूँ, हमारे ऊपर अनुसूचित जात का मुकदमा क्यों होगा भाई? आज के दिन में हमारे लोग अगर देखिए आरक्षण अवसर है, बड़ा घोड़ा
कमजोर घोड़े का हिस्सा खा जाता है, तो हमारा हिस्सा इसलिए खा रहे हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पहल करने के लिए तैयार हो गई है। मैं उसे बधाई देता हूं कि कम से कम जिस दिल में वो दर्द लेके आया था, हमारे समाज ने मेरा वकालत सुना और हमें इस लायक समझा कि हम दिल्ली के जो है संविधान में अनुसूचित जात हैं, ये बेईमान लोग उत्तर प्रदेश में हमें ओबीसी में डाल दिए। अब कम से कम जो संविधान में मिला हुआ हिस्सा मिलेगा, जब देखिएगा जैसे अरे बेईमान लोग, जो पिछली सरकारें 1952 में जब हम 1961 में अनुसूचित में गिनती हुई 70 लाख थे, हमारी जो है हमारा नाम ओबीसी में डाल के मारते मारते 7000 कर दिया। तो सरकारें तो पिछली यही थी ना, केंद्र और राज्य में बिना शर्त। मैं कहता हूँ मुकुल वासनी और शैलजा जो कांग्रेस के मंत्री हैं, ये फाइल क्यों गायब करा दिया जिसके आधार पर संविधान बना था, कितनी जीतने जा रहे हैं, सूची बनती, 9 में से कितनी सीटें मिलने जा रही है एनडीए को बीजेपी के लिए? हम कह रहे हैं कि 6 सीटें निषाद बाउल है, हमारी मझवा है, कटहरी है, हमारा जो है फूलपुर है, हमारा कुंदरकी है, ये ऐसी सीटें जो है हमारा जो गाजियाबाद का है, ये सारी सीटें जो है मीरापुर में कश्यप उधर हैं, इधर निषाद केवट मल्ला बिंद हैं, ये सारे लोगों का एक ही मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा सुनने के बाद सारे कार्यकर्ता खुश हैं, हमको लगता है दीपावली बाद बैठक के बाद एक एक वोट निषाद दे देगा। मैंने पूछा कितनी जीतेंगे, आपने कहा कि बहुल हैं, ये नहीं बताया कितनी जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। अब 6 सीट हमारी निषाद बाहुल से बधाई देता हूँ, कम से कम 6 सीटें निषाद बाहुल है, उस पर हम अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी अभिभावक के रूप में है वो जिम्मेदारी निभाए और हमारी बैठक करा के इनकी समस्याओं के समाधान का पहल करे। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। यकीनन संजय निषाद के जरिए एक अलग तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। जाति में बटा हुआ वोट जिसको जोड़ने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है।